सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मोटर के बारे में कि मोटर क्या होती है हमारी जो है। तो फ्रेंड्स, हमारे मोटर जो है एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। मोटर इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच ट्रांसफर आर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम रोटेशनल एनर्जी भी कह लें या काइनेटिक एनर्जी कह लें। तो फ्रेंड्स, हमारा जो है मोटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके बाद हम बात करेंगे मोटर्स की टाइप्स के बारे में कि हमारे मोटर कितने टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स, हमसे कभी भी जब मोटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बोलते हैं कि मोटर दो टाइप की होती है। बिल्कुल गलत जवाब है, मोटर हमारी तीन टाइप की होती है। फ्रेंड्स, आज हम तीनों टाइप के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज डीसी मोटर, दूसरी हमारी है एसी मोटर होगी, तीसरी जो कि हमें पता नहीं होती है, हम गलत जवाब देते हैं जिसकी वजह से, हमारी स्पेशल मोटरें होती हैं जो कि स्पेशल पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर के बारे में कि हमारे डीसी मोटर की टाइप्स क्या क्या होती हैं और इसके बाद डीसी मोटर इनकी अप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो डीसी मोटर है वो पांच टाइप की होती है। डीसी मोटर हमारी जो है पांच टाइप की होती है। पहला हमारा होता है डीसी संट मोटर। जो हमारी डीसी संट मोटर होती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली मोटर है हमारी जो डीसी संट मोटर है। इसके बाद हमारी जो डीसी संट मोटर होती है कांस्टेंट स्पीड पे चलने के लिए जानी जाती है। ये हमारी एक कांस्टेंट स्पीड पे ही चलती है, इसमें हमारे स्पीड इसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होती। इसके बाद इसकी हमारी जो एप्लीकेशन, सबसे पहली बात ये हमारी कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। इसकी एप्लीकेशन में बारे में बात करेंगे कहाँ कहाँ। सर, अभी फ्रेंड्स हम इसके टाइप्स और इसके एप्लीकेशन के बारे में ही मोटर के बताएंगे। इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्रॉपरली इसके कंस्ट्रक्शन भी आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसके एप्लीकेशन टाइप और इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारी लेथ मशीन के अंदर यूज होती है। इसके बाद फिर हमारी लेथ मशीन हो गई। इसके बाद जो जहाँ हमारे कपड़े बनते हैं उनकी उन मशीनों में ये यूज होती है हमारी डीसी संट मोटर। इसके बाद हमारा इसका नेक्स्ट टाइप जो हमारा सेकंड टाइप है डीसी सीरीज मोटर। फ्रेंड्स, अभी हम केवल इसके टाइप्स और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। हमारा इसके बाद आपको वो मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज का, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डीसी सीरीज मोटर होती है हमारी, इसकी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है, जिससे जो हमारे डीसी सीरीज मोटर हो गई, इसकी हमारी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है जिसे हम बिना लोड के नहीं यूज कर सकते हैं। इसका जो हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है इसकी बहुत ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है और इसको हम बिना लोड के जीरो लोड पे नहीं चला सकते। जीरो लोड पे हम डीसी सीरीज मोटर को नहीं चला सकते क्योंकि इसकी हाई स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होती है। इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन में आते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके एप्लीकेशन में बात करेंगे हम। इसका एप्लीकेशन जो है नॉर्मली ये यूज होती है हमारी लिफ्ट में, लिफ्ट हो गया एंड क्रेन हो गया, और इसके बाद हमारा जो पुराने रेल इंजन हो गए उसमें हमारा डीसी सीरीज मोटर यूज होती है। जो इसकी हमारे डीसी सीरीज मोटर की एप्लीकेशन हो गई, और लिफ्ट हो गया, क्रेन हो गया और रेल पुराने रेल इंजन, इसमें यूज होता है।
इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डीसी मोटर की नेक्स्ट टाइप के बाद में। तो हमारे जो डीसी मोटर का नेक्स्ट टाइप है वो डीसी कंपाउंड मोटर, थर्ड वन इज डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो फ्रेंड्स अब इसके डीसी कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। हमारा जो डीसी कंपाउंड मोटर है, डीसी कंपाउंड मोटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी शंट मोटर एंड डीसी सीरीज मोटर। हमारी जो होती है हमारी डीसी कंपाउंड मोटर, ये सीरीज मोटर और इसके बाद शंट मोटर दोनों की कंपाउंड होती है। और इसके भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज द कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, कम्यूटेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। एंड सेकेंड वन इज डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर। ये हमारे इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे डीसी कंपाउंड मोटर के। इसके बाद अब हम हमारे जो डीसी कंपाउंड मोटर होती है ये बहुत कम यूज की जाती है, ये रेयरली केस में ही यूज होता है। और इसके कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी। हमारे इसकी एप्लीकेशंस जो है हमारी स्टैम्पिंग एंड रोलिंग मशीन में यूज होता है। ये हमारी जो डीसी कंपाउंड मोटर हो गई, हमारी स्टैम्पिंग एंड रोलिंग मशीनों के अंदर यूज की जाती है ये। इसके बाद हमारा फोर्थ टाइप पे आते हैं। तो हमारा जो हमारा फोर्थ टाइप हो गया ये डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर है, परमानेंट मैग्नेट, तो हमारे जो डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर होती है इसमें हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं और इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। तो इसकी इसमें दो बातें होती हैं। पहला ये कि इसमें हम परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं और दूसरा इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होती, इसमें फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। और उसके बाद फिर इसमें हम इसके एप्लीकेशन में आते हैं कि इसका हमारा यूज कहाँ कहाँ पे होती है। तो इसके एप्लीकेशंस हैं, पहला स्मॉल टॉय कार, जो हमारी छोटी बच्चों की टॉय कार होती है उसमें यूज होता है टॉय कार। इसके बाद ये हमारे कंप्यूटर ड्राइवर के जो फैन होते हैं उसमें यूज होती है, कंप्यूटर ड्राइवर फैन। एंड इलेक्ट्रिक टूथब्रश के अंदर यूज होती है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ब्रश के अंदर, टूथब्रश के अंदर यूज होती है ये। इसके बाद ये हमारे हो गए डीसी कम परमानेंट मैग्नेट मोटर के एप्लीकेशंस। इसके बाद हमारी फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारी मोटर है डीसी के अंदर। तो फ्रेंड्स हम समरी पे आते हैं कि हमने इसमें क्या क्या किया। तो पहले हम मोटर की टाइप देखे कि हमारी मोटर कितने टाइप की होती है, एसी मोटर, डीसी मोटर, स्पेशल मोटर। स्पेशल मोटर हमने मोटर्स के टाइप देखे। इसके बाद फिर हमने इसमें हमने डीसी मोटर किया कि डीसी मोटर में हमारी कौन कौन सी मोटर होती हैं, तो उसके बारे में हम आते हैं। तो डीसी हमारी चार टाइप की मोटर हो गई, चार टाइप की हो गई। इसके बाद इसमें हमारा फर्स्ट डीसी मोटर है, फर्स्ट वन इज डीसी संट मोटर, डीसी संट मोटर। सेकेंड वन इज डीसी सीरीज मोटर,
थर्ड वन हमारी जो हो गई डीसी कंपाउंड मोटर, एंड फोर्थ वन हमारी जो